के स्वास्थ्य के बारे में, बीमार होने पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सरकार और पार्टी दोनों सख्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में प्रज्ञा के बयान की कड़ी निंदा की। भाजपा ने प्रज्ञा को रक्षा मामलों की समिति से हटाने की सिफारिश की। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा कभी भी ऐसी विचारधारा का नहीं करती है समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वृंदावन में रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल के शारदा ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा अस्पताल आज कई नई सुविधाओं के साथ रोगियों के सेवा कार्य में लगा हुआ है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। कुछ अन्य नेता भी बतौर मंत्री ले सकते हैं शपथ। सरकार में एनसीपी का होगा उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस का होगा विधानसभा अध्यक्ष। लखनऊ में आज 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने किया उद्घाटन। कहा बीट पुलिसिंग का आज भी नहीं है कोई विकल्प। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और बढ़ते हैं अब समाचारों की तरफ। भोपाल से सांसद और भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहना उल्टा पड़ गया है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को संसद में एसपीजी संशोधन कानून चर्चा के दौरान यह बयान दिया था। लोकसभा की कार्यवाही से इस बयान को पहले से ही हटाया जा चुका है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानने वाली किसी भी सोच की उनकी पार्टी भत्सना न करती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और उनके विचार ही प्रासंगिक हैं। गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार भी कंडम करती है। महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें शायद और बढ़ सकती हैं। फिलहाल उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिए जाने की सिफारिश पार्टी की ओर से कर दी गई है और यह जानकारी खुद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी। इसके अलावा वह इस सत्र में संसदीय दल की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं दिया जाएगा। इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होगा। उद्धव ठाकरे शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। कुछ अन्य नेता भी बतौर मंत्री शपथ ले सकते हैं। ठाकरे परिवार से उद्धव पहले मंत्री होंगे। राज्य में 288 सदस्यों की विधानसभा में शिवसेना के 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को 3 दिसंबर तक विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मथुरा मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल में नवनिर्मित शारदा ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 112 साल पहले 4 बिस्तरों से शुरू हुए अस्पताल में आज अनेक नई सुविधाएं रोगियों की सेवा कार्य करने में लगी हुई हैं। मेरे लिए ये सम्मान का विषय है कि मैं आज उस सेवा आश्रम के विस्तार का साक्षी बन रहा हूँ जहाँ कभी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे महानुभाव पधारे थे। ऐसी ही विभूतियों के सानिध्य में जो ये अस्पताल आज हम देख रहे हैं, 4 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू हुआ था 112 साल पहले, लेकिन आज इसका स्वरूप पूर्ण विकसित आधुनिक अस्पताल का हो गया है। मुझे बताया गया है कि इस अस्पताल में पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 5,50,000 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ किया है। इस अस्पताल में अनेक नई सुविधाएं रोगियों की सेवा में कार्य करने लगी हैं, जिनमें प्रमुख हैं कैंसर वार्ड और कैंसर ऑपरेशन थिएटर, महिला सर्जिकल वार्ड और नवजात सघन चिकित्सा इकाई। मुझे विश्वास है कि इन सेवाओं के माध्यम से रोगियों की बेहतर देखभाल हो सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल ब्रज क्षेत्र के कैंसर रोगियों के उपचार में अहम भूमिका निभाएगा। रामकृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल इस 300 बेड के एक बेहतरीन हॉस्पिटल के मां शारदा ब्लॉक का लोकार्पण आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया है। मुझे विश्वास है कि हॉस्पिटल इस पूरे क्षेत्र में बेहतरीन कैंसर की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, उसके उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। लोकसभा ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया। विधेयक के अनुसार अब प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले परिजनों को SPG सुरक्षा मिलेगी। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि गांधी परिवार की सुरक्षा को हटाया नहीं गया है, उसे Z+ श्रेणी में बदला गया है। उधर राज्यसभा में देश के आर्थिक हालात पर अल्पकालिक चर्चा की गई। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज चला। दोनों सदनों में अहम सवालों के जवाब दिए गए, साथ ही शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जरूरी मुद्दों को सदन में उठाया। लोकसभा में दोपहर बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कानून में संशोधन से जुड़ा बिल चर्चा के बाद पारित किया गया। इस बिल में SPG की सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके साथ आवास में ही रहने वाले परिवारजनों को मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके आवास पर साथ में रहने वाले परिवारजनों को पद छोड़ने के बाद 5 साल की अवधि तक SPG की सुरक्षा हासिल होगी। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है, उन्हें पुख्ता सुरक्षा मिली है। देश में चित्र ऐसा भी खड़ा करने का प्रयास हुआ कि जैसे गांधी परिवार की सिक्योरिटी की सरकार को चिंता ही नहीं है, इनकी सुरक्षा पूरी हटाई गई। सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है और थ्रेट असेसमेंट के आधार पर बदली गई। थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सुरक्षा Z+ CRPF कवर विथ ASL एंड विथ एम्बुलेंस पूरे देश भर में की। अमित शाह ने कहा कि इसके पहले भी कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा हटी है, तब किसी ने मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन इस बार परिवार के नाम पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि इसी परिवार के लोग कई बार बिना SPG को बताए यात्रा करते। नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के से, क्यों भला आपने चिंता व्यक्त करने की? ये चिंता व्यक्त करने के 2 मापदंड क्या है वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की, ये सुरक्षा की चिंता नहीं। और SPG को एक स्टेटस सिंबल बनाया गया, हम जनता से अलग है, जनता से अलग कोई नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होते। उधर राज्यसभा में देश के आर्थिक हालात पर अल्पकालिक चर्चा की गई। विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया तो जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश का आर्थिक आधार मजबूत है
और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अब असर दिखने लगा है। I would like to place on record every step that has been taken. If you're looking at the economy with a discerning view, you see that growth may have come down, but it's not a recession yet, or it won't be a recession ever. 2,50,000 crores have been distributed through the public sector banks. How was that possible if we didn't give them liquidity? So, sir, please, recapitalization had a reason and that paid off. And that paid off to clear the sentimental feeling about the Indian economy that there's no liquidity, liquidity is not being available. All of them by category have been given loans. And that's because we were able to recapitalize. इससे पहले लोकसभा ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूरी तरह से रोक लगाने से जुड़े बिल को भी पारित कर दिया। इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, बिक्री सहित उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक का प्रावधान है। वहीं लोकसभा में शून्यकाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कश्मीर में हालात अब सामान्य की ओर है। धारा 370 समाप्त होने के बाद यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में अब आतंकवादी घटनाएं लगभग 9 के बराबर हो गई हैं। कश्मीर में तेजी से नॉर्मलसी आ रही है, अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा तेजी से नॉर्मलसी आ रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में सवाल के जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया का अगर निजीकरण नहीं किया गया तो उसे बंद करना पड़ सकता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सभी 20 सवालों के जवाब दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं। वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था पर अल्पकालीन चर्चा के दौरान अपना उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी सुधार, बैंकों की पूंजी में वृद्धि, कई नीति संबंधी फैसले भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो देश हित में ही है। उन्होंने ये भी बोला कि देश में किसी भी तरह की कोई मंदी नहीं है। People started telling there's no liquidity. People started telling liquidity is not there at all. With the help of Reserve Bank of India, I've met up with both the public sector banks and the private sector banks, proved that it was not for want of liquidity, but the flow of liquidity was not happening. Again, quality of assets, I'll come to that for a minute, to show that between the first and the second outreach programs which happened in October, there was even a press release given out. I recall the number approximately, you may refer to the press note and not pin me down to the numbers that I'm quoting here. 2,50,000 crores have been distributed through the public sector banks. How was that possible if we didn't give them liquidity? लोकसभा में आज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट बिल पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के अधिकारियों से संबंधित बिल को विचार एवं पारित करने हेतु रखा जाएगा। उधर राज्यसभा में आज चिटफंड विधेयक पर चर्चा होगी। आज राज्यसभा में ई सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा होगी। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। यह विधेयक ई सिगरेट को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित करता है जो अंतःश्वसन के लिए निकोटीन जैसे पदार्थ को गर्म करता है, जिसका उपयोगकर्ता द्वारा धूम्रपान के इस्तेमाल किया जाता है। विधेयक का उद्देश्य ई सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, परिवहन, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर 1 वर्ष के जेल की सजा अथवा 1,00,000 रुपया जुर्माना या दोनों ही दंड एक साथ देने का प्रावधान है। साथ ही विधेयक द्वारा अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर तलाशी लेने के लिए अधिकृत किया गया है जहां उन्हें लगता है कि विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के सचिव और वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने के निर्णय से बोर्ड पर कोई विपरीत कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम संगठन को पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर इकराए रखते हैं।
पीलीभीत में अब खेतों में किसान फसल अवशेष को न जलाकर उसका प्रबंधन कर खाद के रूप में उपयोग करेंगे, क्योंकि किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है और किसानों पर भी FIR हो जाती है। अब महिला स्वयं सहायता समूह इसको रोकने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। सरकार इन महिला समूहों को ट्रेलर व अन्य कृषि उपकरण 80% अनुदान पर दे रही है। इन उपकरणों से पराली को काटकर जैविक खाद बनाई जाएगी। पीलीभीत में भारत सरकार की योजना C2 मैनेजमेंट के तहत महिला स्वयं सहायता समूह गणेश महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती रेनी देवी को फर्म मशीनरी बैंक के तहत 15 लाख रुपए के कृषि यंत्र 80% के अनुदान पर प्राप्त। लाभान्वित समूह को 5 कृषि उपकरण सहित ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की गई। 11 महिलाओं का समूह बना था हमारा, और ये जो सरकार ने हमें उस पे दिया है छूट पे समूह में, इस पे 5 यंत्र दिए हैं और इससे मिट्टी बराबर होगी, हमारी खेती होगी, अच्छी फसल होगी, सबको फायदा मिलेगा। कृषि विभाग में इन C2 योजना के तहत एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें पराली जलाने को के विकल्प के सकारात्मक रूप में समूहों को भी और व्यक्तिगत आधार पर लोन दिया जा रहा है। जो समूहों को लोन दिया जाता है उसमें लगभग 80% की सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, और जो व्यक्तिगत है उसमें लगभग 40% की सब्सिडी उसमें भी दी जा रही है, और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसमें अलग अलग तरह की मशीनें, थ्रेशर और जो आधुनिक मशीनें हैं कृषि की, उनको खरीदा जा सकता है। सरकार ने जो इन यंत्रों को की व्यवस्था करी है, जिसमें से कटाई के लिए, जैसे फसल कटने के बाद कंबाइन से कटने के बाद जो डंठल रहते हैं उनको मल्चर से या पैडिस्टा चापर से इतना छोटा छोटा काट देते हैं कि वो उसमें इतना कटने के बाद बिल्कुल छोटा हो जाता है। उससे आप उसके बाद तुरंत मोल्ड प्लाउ भी यंत्र दिया जा रहा है, जिससे आप जुताई करके उसमें मिट्टी को पलट हल से उसे मिल सकता है। मिलने से क्या होगा, वो जो उसके अवशेष हैं डंठल आदि, वो मिट्टी में हमारे दब करके सड़ जाएंगे और हमारे मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मृदा का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, इसलिए सरकार ने हमारी व्यवस्था करी है। बेसिक शिक्षा विभाग व अरविंद सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में बहराइच के गेंदघर मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार प्रदर्शनी एवं शिक्षक सम्मान समारोह का मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शंभु कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी अरविंद चौहान के साथ फीता काटकर शून्य निवेश नवाचार प्रदर्शनी तथा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमोलिया खास के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले जिले के विभिन्न विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी शंभु कुमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसे आयोजन मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी जैसे आयोजनों से दूसरे स्कूलों के शिक्षकों के साथ छात्र छात्राएं प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी पंडालों में प्रदर्शित किए गए मॉडलों से शिक्षण स्टाफ और छात्र छात्राओं के प्रयासों की झलक मिलती है। प्रदर्शनी के लिए विद्यालयों द्वारा बहुत अच्छी तैयारी की गई है, जिसके लिए सभी स्कूल व अरविंद सोसाइटी बधाई के पात्र हैं। ये जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा विभाग और अरविंद सोसाइटी ने पढ़ाने के तरीकों में किस तरीके से नई चीज़ों को हम लोग ला सकते हैं, नवाचार का कैसे हम उपयोग करके बच्चों को साइंस की चीज़ें अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, कौन कौन से मॉडल बच्चों को जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको कैसे खेल खेल में सीखा जा सकता है, इन सारे विषयों पे फोकस करते हुए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अलग अलग स्कूलों के अलग अलग ब्लॉक के जो टीचर्स हैं, जो अपने पढ़ाने के दौरान अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं, उसको प्रदर्शनी के रूप में लगाया हुआ है, और ये सभी टीचर्स के लिए एक दूसरे ब्लॉक से क्या नई चीज़ें वहाँ पर हो रही है वो सीखने का एक जरिया बन रहा है। मथुरा जिले की तहसील माट में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ब्रज आदर्श कन्या विद्यालय में 70 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों के लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कन्या विद्यालय के लिए सांसद निधि से हेमा मालिनी द्वारा किए गए कार्यों और सहयोग की सराहना की।
उन्होंने मांड क्षेत्र में कन्याओं के लिए नृत्यशाला की स्थापना को भी सराहनीय बताया। सांसद हेमा मालिनी की मथुरा के विकास में काफी अहम भूमिका रही है। इस दौरान समारोह में सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कला अध्यात्म के साथ जुड़ा है, नृत्य करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, इसलिए ब्रज की कला में लोक नृत्य बसा हुआ है। वे ब्रज में जल्द ही अपनी निधि से नृत्य अकेडमी की स्थापना करेंगी। ब्रज क्षेत्र के कड़कड़ में आध्यात्मिक प्रेम बसा है, इस पवित्र भूमि में आकर हर व्यक्ति कान्हा के प्रेम में वशीभूत हो जाता है। मैं बराबर आता हूँ, वाकई बिहारी के दरबार में माथा टेकने मैं नियमित रूप से आता हूँ। इसमें मैं राज्यपाल जरूर हूँ, लेकिन तो भी वाकई बिहारी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, मैं उस नियमितता को छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए ये क्रम हमारा बराबर जारी रहेगा। बाके बिहारी जी का दर्शन प्राप्त करके एक ऊर्जा प्राप्त होती है और एक दिशा भी प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर कल देर रात पदाधिकारियों के साथ मंथन किया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों को लेकर सरकार का फीडबैक लिया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र में हुए उलटफेर को लेकर कहा कि बीजेपी विपक्ष में रहकर जनता की परेशानियों को उठाएगी और नए सीएम ठाकरे बन रहे हैं, उनको और उनकी टीम को बधाई है। वहीं प्रियंका गांधी के द्वारा उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ट्वीट किए जाने पर कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर पर ही ट्वीट ना करती रहें, वो जमीन पर आकर देखें। अब जो होना था वो हो गया, उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहाँ जो सरकार बनेगी विपक्ष की भूमिका भाजपा रहेगी और जो जनता की समस्याएं हैं उजागर करेगी। प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है, प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है, यूपी में भ्रष्टाचार को उन्होंने बताया है कि आखिर भ्रष्टाचार भी हो रहा है, मिड डे मील को लेकर उन्होंने। प्रियंका जी को कहिए वो ट्विटर पर रोजाना ट्वीट करती रहे, जमीन पर कहीं ना जाए, हम लोगों को सब ध्यान में, वो केवल ट्वीट करती है और जमीन पर। लखनऊ के एक निजी विद्यालय में कल क्वालिटी कंट्रोल सर्कल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 15 देशों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि गुणवत्ता हर कदम पर महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, प्रतिभागियों को निखारने में इस तरह के कार्यक्रमों का होते रहना भी महत्वपूर्ण होता है। इस मौके पर उन्होंने समारोह में छात्राओं को सम्मानित भी किया। सम्मेलन में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। शिक्षा एक प्रकार से व्यक्ति को देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा या समाज को सशक्त बनाने का माध्यम बन सकती है। आज केवल जो पठन पाठन की प्रक्रिया है केवल पुस्तकों तक सीमित ना रहे, बल्कि बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो, जो पठन पाठन के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में शामिल हो सके, ये सिखाना भी आज की आधुनिक शिक्षा का एक बहुत जरूरी अंग बन चुका है। लखनऊ में आज से 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने किया। इस मौके पर किरण बेदी ने शोध पत्रों की पुस्तिका का विमोचन किया। किरण बेदी ने अपने संबोधन में यूपी पुलिस कर जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले के दौरान यूपी सरकार और पुलिस ने बेहतर काम किया, यूपी पुलिस को इसके लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिलना चाहिए। कुंभ के सफल आयोजन पर यूपी पुलिस का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है। किरण बेदी ने बीट पुलिसिंग की जमकर वकालत की। उन्होंने कहा कि बीट पुलिसिंग का आज भी कोई विकल्प नहीं है, बीट पुलिसिंग में कांस्टेबल को जिम्मेदार बनाया जाता है। किरण बेदी ने कहा कि हर पुलिसकर्मी को अपनी वर्दी को मंदिर मानना चाहिए, मंदिर में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और पुलिस का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है न्याय।
The purpose of every police officer are just two. And that's what I've lived by. And that's what we, I think, come for. Consider moment you wear your uniform, consider you are in a temple. You're in a gurdwara, you're in a masjid, and you're in a church. Consider your uniform as a place of worship, which you carry along with you. You may go to a temple, or you may to the gurdwara. You may, if you get the time and you have this place, go. It's a plus. But moment you wear your khaki, you are already in a temple or a place which has to be spiritually respected. Once you do that, you will do always two things. A, you'll never compromise on justice. You will do justice. Come what may, kisi ko hum anyay nahi karenge. Aap denge nyay, chahe wo staff ho, chahe wo situation ho, chahe koi bhi chalauti ho. Aap nyay karenge, kyunki aap temple se anyay nahi kar sakte. So A, I think the mantra of our police service is nyay, justice. दो दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन देश के विभिन्न राज्यों से आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विज्ञान विशेषज्ञ, शिक्षाविदों द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं नीति निर्धारण के सुझाव रखे गए। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। कल समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जनपद शाहजहांपुर भावलखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत गांव सूरतपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य गायत्री शुक्ला ने शिक्षकों के साथ मिलकर मेहनत और लगन से गरीबों के बीच शिक्षा की ऐसी अलग जगाई कि भट्टों और खेती में मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं। 201 बच्चों वाले अंग्रेजी माध्यम के इस स्कूल में आसपास के आधा दर्जन गांव के लोग अब कॉन्वेंट स्कूलों से नाम कटवाकर अपने निजी वाहन से बच्चों को यहां एडमिशन दिला रहे हैं। शून्य लागत नवाचार से बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही यहाँ शिक्षक माह में एक बार कॉन्वेंट की तरह अभिभावकों की मीटिंग भी बुलाते हैं। स्कूल के कायाकल्प से कई बार नवाचार, स्वच्छता और बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया है। गायत्री शुक्ला ने बताया कि गत वर्ष में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हुए हैं। शुरू में इस स्कूल में बच्चों की संख्या ना के बराबर थी, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर परिवार गरीब होने के कारण बच्चों के साथ मजदूरी करने भट्टों पर निकल जाते थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में 10 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का खोला गया है, जिससे अभिभावकों का कॉन्वेंट स्कूलों से मोह भंग हुआ है और इसी का परिणाम है कि सूरतपुर विद्यालय में बच्चों की संख्या 201 पहुंच गई है। जब हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम हुआ तो हमारे यहाँ चार गांव के सर बच्चे आते हैं, चार पांच गांव के सर। महमदपुर से है, कुतुआपुर है पास का ही गांव, और सेरामऊ है, लक्ष्मणापुर है और अलापुर है सर। यहाँ के बच्चे हमारे आते हैं और हमारे सर गार्जियंस ने वैन लगा रखी है सर, वैन से हमारे बच्चे आते हैं और हमारी स्ट्रेंथ 201 है सर। और हम सर अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और उनकी गार्जियंस की हम उम्मीदों पर खरे उतर सकें। बेस्ट टीचर का सर दिया गया था अवार्ड। इसके बाद हमारे विद्यालय को सर स्वच्छ विद्यालय का भी मिला है और शिक्षा में शून्य नवाचार पे भी हमको मतलब जो है प्रशस्ति पत्र दिया गया और अभी हाल में ही मिशन शिक्षण संवाद के द्वारा लखनऊ बुला करके प्रशस्ति पत्र मुझे दिया गया। विद्यालय जो जनपद में है उसमें बहुत से विद्यालय अंग्रेजी माध्यम किए गए हैं। इस समय प्रत्येक विकास खंड में लगभग 10 विद्यालय जो है अंग्रेजी माध्यम में हैं। तो जो शुरुआती दौर में अंग्रेजी माध्यम घोषित किए गए थे तो उनमें जो है स्टाफ भी लगभग पूरा हो गया है और उनमें परिवर्तन दिखना शुरू हो गया। इसी तारतम्य में जो सूरतपुर का विद्यालय है भावलखेड़ा विकास खंड में, इसके बारे में जो है कि यहाँ बच्चे जो है दूर से भी जाते हैं, यानी वैन के माध्यम से जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो रही और जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजते थे और उस तरीके से जो है वहाँ पढ़ाई हो रही थी, इसलिए बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं और उसके लिए परिवहन की व्यवस्था गार्जियन अपने लेवल से कर रहे हैं। मायावती है मियाँपुर गौतिया, तो मेरे बच्चे वैन पर पढ़ने आते और बहुत अच्छी पढ़ाई होती और मैं वहाँ स्कूल छोड़ के मैंने यहाँ पढ़ा लिखाया नाम, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती। जिस हिसाब से पहले स्कूल में था, गांव की भाषा बोलते थे बच्चे और गांव की तरह रहते करते थे, तो ये स्कूल इतना डेवलप कर दिया है इन बच्चों को कि अब इंग्लिश में तक बात करने लगे बच्चे। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट उनमें आया है, रहन सहन, बोलना करना, खाने पीने का तौर तरीका उनका बहुत अच्छा होता जा रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ के बारे में बच्चे बताते हैं, हम हमेशा मीटिंग अटेंड वगैरह करते रहते हैं तो उससे पता चलता है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्कूल में, बच्चों में, बच्चों से भी पता करते रहते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं।
यूपी के कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट डबल डेकर बस का टायर फट जाने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद बस पलट गई, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार 50 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 4 यात्रियों की मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय एक और बस टकरा गई, उसमें भी 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे में 60 से ज्यादा घायलों में 35 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा तिरवा कोतवाली के फगुआ भट्टा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 10 बजे के आसपास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव कार्य के लिए जिले के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जयपुर से आ रही बस जो बिहार के आ रही थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। 30-35 लोग घायल हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज तिरवा में चल रहा है, उनके लिए पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सरकार और पार्टी दोनों सख्त, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में प्रज्ञा के बयान की कड़ी निंदा की। भाजपा ने प्रज्ञा को रक्षा मामलों की समिति से हटाने की सिफारिश की। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा कभी भी ऐसी विचारधारा का नहीं करती समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वृंदावन में रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल के शारदा ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा अस्पताल आज कई नई सुविधाओं के साथ रोगियों के सेवा कार्य में लगा हुआ है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। कुछ अन्य नेता भी बतौर मंत्री ले सकते हैं शपथ। सरकार में एनसीपी का होगा उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस का होगा विधानसभा अध्यक्ष। लखनऊ में आज 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का पुडुचेरी के उप राज्यपाल किरण बेदी ने किया उद्घाटन। कहा बीट पुलिसिंग का आज भी नहीं है कोई विकल्प। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।